चिल्वाताल थाना क्षेत्र के ग्राम सभा परमेश्वरपुर के टोला भंडारों में गुरुवार को एक भाई ने अपनी बहन की चाल चलन से क्षुब्ध होकर उसकी फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी और खुद ही हत्या की सूचना डायल 112 पर और चिल्वाताल पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपित भाई को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि चिल्वाताल थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर के टोला भंडारो निवासी राम बुझारत निषाद गोरखपुर रेलवे के वर्कशॉप में काम करते हैं। उनके पास दो बेटियां चांदनी व अंजनी व तीन बेटे गोविंद अरविंद व गुड्डू हैं, जिसमें से राम बुझारत अपनी बड़ी बेटी चांदनी की कुछ साल पहले शादी कर दिए थे। राम बुझारत की छोटी बेटी अंजनी का गांव के ही किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके साथ वह एक साल पहले फरार हो गई। पुलिसिया कार्रवाई के बाद घर वापस आई थी। फिर से अभी दो माह पूर्व भी उसी प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, मगर परिवारजनों की सूचना पर हरकत में आई पुलिस कुछ ही घंटों में दोनों प्रेमी युगल को बरामद कर परिवारजनों को सौंप दिया था। इसके बाद भी जब उसकी आदत नहीं सुधरी तो बदनामी की मार झेल रहे भाई ने मजबूर होकर बड़ा कदम उठाते हुए फावड़े से अपनी बहन की हत्या कर दी और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी ने बताया, ये ऑनर किलिंग का केस है। भाई ने बहन की हत्या की है फावड़े से मार के गले में और मुंह पे चार पांच बार वार किए हैं और भाई जो है वहीं पे हत्या करने के बाद उसी ने खुद ने ही सूचना दी है और मौके से भागा नहीं, मौके पर ही था वो, मौके पर ही उसको पकड़ लिया गया और उसको दाखिल करवा दिया जा रहा है। मुकदमा लिखा जा चुका है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है।